Everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am AC Sedisha Chauhan, a proud FinTrama. Are you appearing for your September 22 attempt? Well, then I have few tips for you. I'm going to share some strategy and tips for your exam. So if you're interested in knowing that, keep on watching this video. तो आई हैव करेक्टेड यू नो वेरियस मॉक्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो उससे मैं कुछ यू नो जो बच्चे गलतियाँ करते हैं मैंने वो देखी हैं एंड मैं वो उस पर आपको गाइडेंस देना चाहूँगी. यू नो आपको एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी सो दैट आप वो गलतियाँ अपने एग्जाम पे ना करें. तो अब एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. नेक्स्ट वीक आप अपने सेप्टेम्बर 22 एग्जाम्स दे रहे होंगे एंड इस वीडियो में जो भी स्ट्रैटेजी या टिप्स मैं शेयर करूँगी दे आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर बोथ योर स्किल एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स. द डिफरेंस इज कि आप किस स्किल लेवल के पेपर, जैसे कि अगर आप FR दे रहे हो फॉर एग्जांपल तो 3R का पेपर होगा. बट अगर आप लेट्स से प्रोफेशनल लेवल पर SBR दे रहे हो तो वो 3R 15 मिनट्स का होगा, राइट. बट आइडियली व्हाट वी से इज कि आपको यू नो टाइम लगाना चाहिए पर मार्क शुड बी अराउंड 1.8 मिनट्स. नाउ दिस इज एन आइडियल अलोकेशन. ऑफ कोर्स इससे कुछ सेकेंड्स आपको ऊपर नीचे होगा बट दिस इज आइडियली दैट यू शुड बी फॉलोइंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाइम मैनेजमेंट चाहे आप स्किल लेवल पे हो प्रोफेशनल लेवल पे हो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सो आई हैव चेक्ड वेरियस मॉक एग्जाम्स एंड मैंने उसमें क्या देखा है कि यू नो सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जस्ट परफेक्शन कि उनको आंसर को बहुत अच्छे तरह से लिखना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लेकिन उस चक्कर में वो अपना पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. कई स्टूडेंट्स यू नो 30% छोड़ देते हैं, कई स्टूडेंट्स 40-50% भी पेपर छोड़ देते हैं बिकॉज वो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टू क्वेश्चंस में इतना एफर्ट और टाइम डाल देते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता है. तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना होगा. यस यू हैव टू यू नो आंसर एवरीथिंग, आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है बट एट द सेम टाइम द क्लॉक इज टिकिंग सो यू हैव टू लुक एट द टाइम ऑल्सो कि भाई कितना टाइम लग रहा है. नाउ एट योर प्रोफेशनल लेवल आपको जो फर्स्ट आई वुड से 10 मिनट्स अराउंड 10-15 मिनट्स रीडिंग के लिए यू नो आप यूज कर सकते हो बट आपको बहुत यू नो हर क्वेश्चन पूरा पूरा डिटेल में आप ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे. आप एक बार ग्लैंस थ्रू कर सकते हो कि भाई ओके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस किस स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड हैं या क्या क्या टॉपिक्स है. पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो प्रोफेशनल लेवल तो आप उसमें ज़्यादा देखो कि भाई उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूछी है बिकॉज यू विल बी स्टार्टिंग मोस्टली विद दैट क्वेश्चन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने यू नो देखी है आफ्टर चेकिंग मॉक एग्जाम्स ऑफ स्टूडेंट इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल भी यू नो कुछ एक एक फॉर्म में आंसर नहीं लिख रहे हैं. लाइक इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक इंट्रोडक्शन दो, ब्रीफ एक कंक्लूजन दो जैसे कि कोई रिपोर्ट टाइप है, या फिर आप एटलीस्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स विद हेडिंग्स यूज कर रहे हो बिकॉज प्रोफेशनल मार्क्स भी हैं विच यू शुड ऑफकोर्स एम फॉर. तो आपको यू नो इम्पॉर्टेंट है यू नो इन ऑर्डर टू गेन दोज प्रोफेशनल मार्क्स कि आप प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा ध्यान दो, राइट. सो बिफोर यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर आंसर आई वुड ऑलवेज से कि जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ 5-10 मिनट लगाओ बट थोड़े टाइम के लिए आप बस सोचो कि ओके हाउ वुड यू स्टार्ट एंड आप कैसे इसकी रिक्वायरमेंट्स करोगे. नाउ क्वेश्चंस यू नो अलग अलग सब पार्ट्स होंगे, कुछ 10 मार्कर का होगा, कुछ कुछ मार्क्स का होंगे. तो जो भी सब पार्ट्स है आप देखो कि कितने मार्क्स का वो है, उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखो, राइट. आप पूरा अगर आप सोच रहे हो कि जैसे आपको यू नो आपके वेरियस किट्स होती हैं उसमें आंसर्स हैं या फिर जो ACCA सजेस्टेड आंसर्स देता है, अगर आप सोच रहे हो आप उस लेवल का लिखोगे तो ऑनेस्टली उस टाइम में इट्स नॉट रियली पॉसिबल और फीजिबल. सो यू हैव टू थिंक कि भाई ओके मैं उतने टाइम में आई विल आंसर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, लेट्स से कुछ 4 पॉइंट्स है तो मैं ओके सारे 4 पॉइंट्स को ज़रूर नोट डाउन करूँगा, लिखूंगा, बट किस तरीके से और कितना मतलब मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत है डिपेंडिंग ऑफ कोर्स वो कितने मार्क्स का है, राइट. जैसे कि अगर कोई 2 मार्क्स का चीज़ होती है तो हम उसके लिए कोई पूरी रामकथा तो नहीं लिखते हैं, राइट. सो यू हैव टू सी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको अपना आंसर करना होगा. भले ही आपको कुछ ज़्यादा भी पता हो तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गई मत सोचो कि बस लिखते जाता हूँ, बिकॉज यही चीज़ मैंने देखी है कि कई स्टूडेंट्स ने मॉक एग्जाम्स में यू नो बहुत डिटेल में लिख दिया है जबकि उतने मार्क्स का वो था भी नहीं एंड उस वजह से उनका काफ़ी पेपर छूट गया, विच वी रियली डोंट वॉन्ट. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑफकोर्स कि आपने
यू नो मॉक एग्जाम दिया हो, अगर आपने अभी तक नहीं दिया, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एग्जाम से पहले एक मॉक एग्जाम दो. इफ यू आर विथ फिनट्रैम ग्लोबल, यू नो वी गिव फुल रिव्यू असेसमेंट्स टू आवर स्टूडेंट्स ऑफ मॉक एग्जाम, सो दैट बिफोर द एग्जाम उनको पता चल जाए कि व्हाट आर द एरियाज दैट दे वेंट रॉन्ग, उसको इम्प्रूव कर सके, सो दैट वो मिस्टेक्स वो अपने एग्जाम्स में ना कर सके. लेकिन अगर आप अपने आप पढ़ते हो या जो भी है, तो आप एटलीस्ट पास्ट एग्जाम पेपर को ही खुद सॉल्व करके और उसका आंसर देखने का ट्राई जरूर करो. बट डेफिनेटली आप एक पेपर अवध से इसलिए दो क्योंकि उससे आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, राइट, विच इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप पूरे उस 3 घंटे या 3 hours 15 minutes में सिर्फ 40% या 50% ही कंप्लीट कर पा रहे हो, देन दैट मीन्स कि यू नो आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर लैगिंग समवेयर बिहाइंड. सो मेक श्योर कि आप यू नो उस टाइम के लिमिट में टाइम सेट करके ही मॉक एग्जाम दो, सो दैट आपको पता चले कि ओके यू नो मैंने उतने टाइम में कितना कंप्लीट मैं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसलिए टाइम करके अपने आप को एक मॉक एग्जाम जरूर दो. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप, जैसे कि मैंने कहा, फॉर्मेट प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट होता है, राइट, कि आप थोड़ी हेडिंग्स यूज करो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐसा कुछ तो करो कि यू नो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे एंड आपको प्रोफेशनल स्किल्स भी, प्रोफेशनल मार्क्स जो है वो मिल सके डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ प्रोफेशनल स्किल्स. अगर आप स्किल लेवल के एग्जाम में हो तो आपको यू नो अच्छे से पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा इतना सेक्शन MCQs का है तो मुझे इतना टाइम ही लगाना चाहिए फॉर दीज टू सेक्शंस, एंड देन अगर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है तो उसमें मैं कितना टाइम लगाऊंगा, एंड उसमें अगेन यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अगेन यूज सम हेडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, कि आप जितना पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स कुछ ऐसा करोगे तो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल. और राइट, तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मैंने देखा कि यू नो जब स्टूडेंट्स ने मॉक्स दिए कि दे वर लैगिंग समवेयर इन प्रेजेंटेशन, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिख रहे विदाउट एनी यू नो सब पार्ट्स और हेडिंग्स, एंड यू नो अननेसेसरी दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ टाइम इन अ क्वेश्चन जिसकी उतनी मार्क्स भी नहीं है एंड दे आर मिसिंग आउट ऑन द रेस्ट ऑफ द पेपर. सो दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग विच आई सॉ, सो आई थॉट आई विल कम हियर एंड शेयर विथ यू गाइज. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट बी नर्वस, अब एग्जाम बस आने ही वाला है नेक्स्ट वीक. लास्ट में मिनट पे आप बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक मत शुरू करो, बिकॉज आप कुछ नया अगर आप, वैसे तो आइडियली आई होप आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चेरी पिकिंग डज नॉट वर्क. बट अगर आपने एक कोई चीज़ छोड़ी, आप उस पर बहुत श्योर नहीं थे या जो भी कुछ है, तो आप कोई नई चीज़ मत उठाओ. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, मॉक एग्जाम दो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यू नो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू. एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जाम. स्टे काम, डोंट बी टू नर्वस. अगर आपको पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि ओह ये बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं मुझसे कैसा होगा, आप टेंशन मत लो. अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए ही यू नो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप ऐसा मत सोचो कि ओ माय गॉड ये क्या है मैं कैसे करूँगा. आई एम श्योर आप कर पाओगे. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप काम रहो, टाइम देखते रहो एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम दो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर September 22 अटेम्प्ट. आई होप आप लोग आराम से अच्छे से कर पाओगे. अगर आप फ्यूचर में December का अटेम्प्ट देना चाहते हो, देने वाले हो, एंड यू आर लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस, देन यू कैन विजिट द वेबसाइट. फिनट्रैम ग्लोबल एक गोल्ड अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, एंड जैसे कि मैंने कहा हम यू नो आपको सेशंस, रिविजन बूट कैम्प ये सब तो देते ही, प्लस मॉक एग्जाम्स का रिव्यू असेसमेंट जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है बहुत हेल्पफुल. I'll see you in the next one. Till then, this is Disha Chauhan signing off.